समाज से लगभग अपने लोगों को 10% जनसंख्या वाले समाज को 55% नौकरी दी, 5 मुख्यमंत्री बने, बाकी के 90% लोग 45% के अंदर सीमित कर दिए गए। शासन प्रशासन में ज्यादा एक ही समाज के लोग होने की वजह से आज बाकी के लोगों को जो भेड़ बकरी समझते हैं, जिस प्रकार की दादागिरी और बेहूदगी प्रदेश के अंदर बहन बेटियों से रेप हुए, लोगों की संपत्तियों के साथ आगजनी हुई, मर्डर हुए और यहाँ तक के सड़कें जाम, कत्लेआम, इस प्रदेश के अंदर ये क्या दिखावा था। मुझे लगता है 2016 की वो 16 तारीख अभी नहीं भूले होंगे आप, और अगर 16 तारीख भूल गए हो तो मौजूदा परसों को आने वाली 16 तारीख याद कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर से गुंडागर्दी और भेदभाव समाप्त हो जाए, हमने कहा कि आज प्रदेश के अंदर, आज हमारे देश में कहीं मराठे, कहीं पटेल, कहीं काकू, कहीं जाट सब आरक्षण मांग रहे हैं, तो क्यों ना आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में सभी के सभी जातियों का आपको आरक्षित कर दिया जाए, ताकि कोई नेता दूसरी जाति के हिस्सों को छीन करके अपने लोगों को ना लुटा सके। जो 45 साल में हुआ, 45-52 साल के हरियाणा में एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने जो भेदभाव किया, और जो तांडव प्रदेश के अंदर 3-3 बार हरियाणा चला, एक बार आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बेगौर समाज को, दूसरी बार आरक्षण में हम शामिल होने चाहिए। इस प्रकार की बेहूदगी जो देश के अंदर हुई, उसके लिए हमने, जब हरियाणा चल रहा था, 800 MP बैठे थे, पार्लियामेंट चल रही थी और आपके सामने विधानसभा भी चल रही थी, 90 MLA बैठे थे, एक व्यक्ति भी MP MLA उस गुंडागर्दी, भेदभाव और दादागिरी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाया। वजह सिर्फ क्या है, जो भी MP MLA बनता है उसकी एक सोच बन जाती है, बड़ी मुश्किल से कुर्सी हाथ लगी है, और जो लूटा जाते लूट ले, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए जनता। लोग राजनीति में आज कारोबार के अक्ष देखते हैं, लोग आपकी सेवा करने के लिए नहीं, अपने मेवे खाने के लिए, अपने बाल बच्चों के साथ अपने कारोबारों की उन्नति करने के लिए राजनीति में आते हैं। और साथियों, हमने तो 3 बार, एक बार बंसीलाल छोड़ा इसी भेदभाव की वजह से, ओम प्रकाश चौटाला छोड़ा इसी भेदभाव की वजह से, और बीजेपी का सांसद बन के जिंदल को हरा करके मैं जब पार्लियामेंट में गया, तब मुझे 8 ही महीने हुए थे जब प्रदेश के अंदर आगजनी हुई, तो इतना देखने के बाद इतने सारे देश के लोग दिलों में घुस गए और सारे नेता आपके जो कुर्सियों के ऊपर विराजमान है, एक शब्द नहीं बोल पाए। लेकिन प्रदेश की जनता ने बोला, राजकुमार सैनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, राजकुमार सैनी ने बहुत बढ़िया काम किया गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा करके। अरे मैंने तो बढ़िया काम किया, लेकिन क्या आप भी बढ़िया काम करना चाहते हो? मेरी पीठ पीछे से वो जाकर के सब छुपाते हो। आज मैंने आपकी कसौटी पे अपना प्रत्याशी उतार करके यहाँ ये साबित करने का प्रयास किया कि क्या आप जागे हैं, क्या आप इकट्ठे हो सकते हैं, क्या आप अपने इंसाफ के लिए अपने भेदभाव को मिटा सकते हैं, उस गुंडागर्दी के कुल लगाम लगा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कोई चुनाव लड़कर सरकार बनाने के लिए हम आपके बीच में नहीं आए। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या लोग सिर्फ अपनी दुकान पर बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, या इंसाफ के समय किसी अच्छी बात के लिए अपना सहयोग और अपना समर्थन दे सकते हैं। यदि आप हमारे लिए समर्थन देते हैं, मैं 2019 में गुंडागर्दी के पर लगाम लगा के दिखाऊंगा, और जो भेदभाव प्रदेश में 47 साल में हुआ उसे मिटा करके एक एक परिवार में एक बच्चे को एक रोजगार और 100% आरक्षण हम करके दिखाएंगे मित्रों। लेकिन जो आज कुर्सियों पर विराजमान है 5-5 मुख्यमंत्री, उनके तो परिवारों में 10-10 अफसर लग रहे, बाकियों के किसी ने चपरासी तक नहीं लगने दिए। इस भेदभाव को समाप्त करना और शहर के विकास के लिए, जो पूरा पानीपत हर रोज जाम में फंसा रहता है और जाम की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि जैसे हम कहीं मूचर खाने में फंसे हो। साथियों, इसी अपरगामी पुल के ऊपर से जो ओवर ब्रिज है, इसके ऊपर चाहे सोनाली रोड है और चाहे वो असंध रोड है, चाहे वो बस अड्डा है और चाहे वो हमारा इधर दूसरे रोड है, इन सब के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए हम एक अपने इस शहर के अंदर एक प्रोविजन बनाएंगे। यदि आप हमारे प्रत्याशी को जिताते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, लड़ाई मेरी नहीं है,
लड़ाई हम सब की है। यदि हम इकट्ठा होकर के अपनी वोट करने की हिम्मत रखते हैं तो मैं आपको इस बेईमानी के, भ्रष्टाचार के और भेदभाव के खिलाफ और इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसमें मुझे आपका हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूँ, सहयोग चाहिए। आप हमारे प्रत्याशी सीमा सैनी को नारियल के पेड़ के ऊपर, जो नारियल का पेड़ है ये आपको छाया भी देगा और आपके काम विकास के और रोजगार के लिए करेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार पुनः अपील करता हूँ कि नारियल के पेड़ वाला बटन दबा करके आप हमारे प्रत्याशी को कामयाब करें ताकि हम आपसे इस भेदभाव को मिटा सके। हमें आपके सामने, आपके सामने सीमा सैनी जी, आपके साथ आपके सामने अपील रखते ही जो सपनों से वोट आपके साथ वोट मांगकर आपको आपसे अपील करें। राजकुमार सैनी, मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि आने वाली 16 तारीख को नारियल के पेड़ के निशान को दबाकर मुझे विजयी बनाए और अपने शहर को सुंदर